चोरी में चोरी मेनू खवाई जानी है, सीट मेरी फिर नहीं बनती, मेरे नाल ओदे सारे रास्ता ते तकड़े ने। मैडम फिर आओ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। प्लस पढ़ रही थी शायद। तू ना तवज्जो से बैठा था क्लास में, भोलू की तरह बैठता है तू। इधर इधर देख, इधर मेरी तरफ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। आज हम मौजूद हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर के लॉ डिपार्टमेंट का आज एनुअल डिनर यहां पे मुनक्कद किया गया है। आई वाज द वन ऑफ द ऑर्गेनाइज़र एंड अभी हम आपसे और कुछ लोगों की मुलाकात करवाते हैं जो ऑर्गेनाइज़ भी कर रहे थे इस इवेंट को, और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या क्या काविशें हैं इस इवेंट के हवाले से। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ हुमैरा मलिक, आई एम फ्रॉम 9th सेमेस्टर। मैं यहाँ पर एज अ ऑर्गेनाइज़र काम कर रही हूँ। यू नो कि कोरोना की वजह से ये सब एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना सब कुछ ख़त्म हो गया, तो हमने एक हेल्दी एक्टिविटी करवानी चाहिए और हमने इसमें बहुत सारी मेहनत की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लतीबा है और मैं यहाँ पे एज अ विजिटिंग फैकल्टी यहाँ पे कोर्स पढ़ाती हूँ। तो यहाँ आके आज इवेंट पे मैं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय करें। बहुत अच्छा जो है यहाँ पे डेकोरेशन किया हुआ है और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है, और बच्चे माशाल्लाह बहुत स्टूडेंट जो है हमारे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। मुझे तो ये इवेंट बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि स्टूडेंट्स के स्किट्स बहुत अच्छे थे, और क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है लॉ डिपार्टमेंट में, अब कोई भी एक एनुअल डिनर या कोई भी एक इवेंट अटेंड करने का, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये एक अच्छी और हेल्दी एक्टिविटी है जो स्टूडेंट्स के लिए होनी चाहिए, बल्कि इस तरह के और इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करने चाहिए डिपार्टमेंट को, ताकि जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो एकेडमिक एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रहे हैं और वो यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को या यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ वो एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ की भी तरफ जाएं और उन्हें पता चले कि डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ लॉ का नहीं है बल्कि उससे हट कर भी है, यहाँ पर अच्छी और हेल्दी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। माशाल्लाह आज मुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही है। यहाँ पर मेरे वालिद साहब लॉ डिपार्टमेंट में एज अ विजिटिंग लेक्चरर हैं, और आज शाम ही वो मुझे उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी जाना है, तो मुझे मालूम नहीं था इसका एनुअल फंक्शन का, तो यहाँ आकर देखकर बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह ये जो है स्टूडेंट्स में इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं ये होनी चाहिए, और इनका जो एनुअल फंक्शन है ये लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ आकर अटेंड किया था, और इस दफ़ा भी मुझे यहाँ आकर जो है ना मौका मिला और बहुत अच्छा लगा मुझे। असल में कोविड की वजह से काफ़ी साल से जो एनुअल डिनर थे वो पेंडिंग थे, और ये बहुत खूबसूरत इवेंट जो है 10th सेमेस्टर ने 9th सेमेस्टर ने और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने अरेंज किया, और बड़ा खूबसूरत इवेंट है, पार्टिसिपेशन अच्छी हैं। जी जनाब, जब आप स्टेज पे आए और अपने करैक्टर में मौजूद थे, तो अपना उसके बारे में एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। वो असल में एक सडन था, वो यूँ कि मेरे क्लास फेलोज थे, उन्होंने वो जो है डेयर मुझसे परफॉर्म कराना था, तो मुझे इस बारे में कोई नहीं बताया गया था, तो वो बस उन्होंने मौके पर मुझे कॉल की, मैं स्टेज पे आया तो मुझे उन्होंने कहा कि भिखारी की एक्टिंग करनी है, तो बस फिर वो करना पड़ा। फिर वो अमजद साहब हमारे HOD हैं, उनके पास गया, उन्होंने मुझे डेयर दिया कि 10 रुपये हमसे ले गए, तो वो मैं थोड़ा सा। तो आपको 10 रुपये मिले फिर? नहीं, 10 रुपये नहीं मिले, अलबत्ता मुझे सबले की धमकी मिली है। नहीं, होप फॉर गुड, इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वैसे इन फ्यूचर अगर आपका कुछ ना हुआ तो आपके पास एक फ़न और एक हुनर तो है जिससे आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। नहीं, ये तो मैंने शो एक कराया, लेकिन मेरे पास इस तरह के 200 और भी हैं। वाह जी वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बीइंग अ DDSA डिप्टी डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स, तो हमने कोशिश की है कि पूरा साल जैसे हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहती हैं, उसी के साथ ये भी एडजेसेंट हैं कि उनको भी अनेक्स किया गया है कि बच्चों के जो स्किल्स आज आपने देखें कि किस तरह की परफॉर्मेंसेज यहाँ परफॉर्म की गई हैं, उनका टैलेंट देखा है जो हिडन टैलेंट है, ताकि वो बच्चे अपने आप को एक तो इस इन्वायरमेंट में डिवेल्प करें और अपनी पर्सनल ग्रूमिंग कर। दिस वॉज वेरी वंडरफुल एंड आई गेस एंड आई होप कि इस तरह के मज़ीद फंक्शन हमारे लिए होंगे और मज़ीद हम लोगों को करेक्टर बिल्डिंग का मौका मिले। आज हमारा एनुअल डिनर था जो हर साल हम मनाते हैं, और ये हमारे स्टूडेंट्स जो हैं ये खुद अरेंज करते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं, और आज की शाम जो है
ये बहुत ही खूबसूरत थी और इसका क्रेडिट जो है वो स्टूडेंट्स को भी जाता है जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, और हमारे मोहतरम मेहमानान करामी जिसमें फैकल्टी मेंबर्स भी थे और बाहर से भी मेहमान थे, और उन्होंने इसको चार चांद लगाए। माशाल्लाह आज का इवेंट बहुत शानदार है, स्पेशली आफ्टर कोविड सिनेरियो के बाद ये गैदरिंग, इट्स क्वाइट प्लेजेंट टू सी। और ऐसी इस तरह के इवेंट्स में इंसान को जो है अपना ब्रेन जो है मेरा ख्याल है घर भूल के आना चाहिए टू इन्जॉय, तो ऐसी चीज़ों को इन्जॉय करने के लिए बिल्कुल आपको माइंड बिल्कुल साइड पे रखना पड़ता है। रियली इन्जॉयड, और बहुत शॉर्ट नोटिस पे बच्चों ने बहुत मेहनत की माशाल्लाह। लॉ डिपार्टमेंट इवेंट्स करवाने में और पार्टिसिपेट करने में कुछ अर्सा पहले तक इतना एक्टिव नहीं था, बट अभी अगर आप कुछ साल पहले 2-3 साल पहले ये सोचते हैं कि लॉ डिपार्टमेंट में इस तरह की एक्टिविटी हो रही है तो वो पॉसिबल नहीं था, लेकिन इन लोगों ने बहुत इंप्रूव किया, डिपार्टमेंट ने बहुत इंप्रूव किया, और हमारे स्टूडेंट्स ने खास तौर पे, हमारे स्टूडेंट्स अब ना सिर्फ डिपार्टमेंटल लेवल पे बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत सी सोसाइटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिफरेंट सोसाइटीज़ के प्रेजिडेंट जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, सो बेसिकली स्टूडेंट्स आर ग्रोइंग, डिपार्टमेंट इज़ ग्रोइंग, सो दैट्स वेरी गुड। कोविड की वजह से काफ़ी सारी जो इवेंट्स वगैरह थे वो पोस्टपोन हो गए थे, तो ये हमारा पहला इवेंट था कोरोना के बाद, तो बहुत मज़ा आया। तो ये हम ऑर्गेनाइजर टीम थे, मैं और अपनी पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा ये इवेंट बहुत ही अच्छा बनाया। अलहमदिल्ला बहुत ज़बरदस्त रहा, हमारा हिस्सा के डिनर हर दफ़ा होता है और इंशाल्लाह होना भी चाहिए। एनुअल डिनर 2022 हमारा फर्स्ट टाइम अभी हुआ है इसे हमारी कैबिनेट में इस ईयर, तो अलहमदिल्ला बहुत ज़बरदस्त है। टीचर ने बहुत कोऑपरेट की है, हमारे ऑर्गेनाइजर ने कोऑपरेट की है, हमारी टीम ने ये ऑर्गेनाइज़ करवाया इवेंट। आई होप कि सबको पसंद आया होगा परफॉर्मेंसेज और इन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया होगा इस इवनिंग को। तो ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज़ कराया इस बार मेरे क्लास फेलोज ने कराया, ये इवेंट बहुत अच्छा था, बट इट कुड बी बेटर देन दैट। सो अगले साल मुझे उम्मीद है कि मैं भी इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मेंबर होऊंगा और इसको मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। जी नाजरीन, तो ये था हमारा लॉ डिपार्टमेंट लॉ फैकल्टी का एनुअल डिनर, और जहाँ पे आपने सबकी परफॉर्मेंस देखी, सबकी टैलेंट, हिडन टैलेंट जो थे वो आपने देखे, और इसमें बल्कि मैं तो बेहद खुश हूँ क्योंकि मैं खुद यहाँ का ऑर्गेनाइज़र भी हूँ, आज का होस्ट भी हूँ, और मुझे ये सर्टिफिकेट मिला है, तो इसकी भी मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, और मेरे लॉ डिपार्टमेंट के जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी फेलोज़ हैं, जितने भी जूनियर्स हैं, जितने भी सीनियर्स हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।